क्या आप जद्दा में एयरपोर्ट पर काम करने के लिए आना चाहते हैं? क्या आप दम्माम के अंदर सी पोर्ट पर काम करने के लिए आना चाहते हैं? क्या आप रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आना चाहते हैं? क्या आप किचन हेल्पर का काम करने के लिए आना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर? ऐसी बहुत सारी अपडेट मैं इस वाली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए बिना स्किप करके जो इस वीडियो को पूरी देखें। किसके पास ये वीजा है वो भी इस वाली वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए बिना स्किप करके वीडियो देखें ताकि हर बात जो आपके समझ में आ जाए। और ये वीजा जो है किसके पास है, कैसे उसका नंबर निकालना है, वो भी मैं इस वाली वीडियो में बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के बज गए हैं अभी 7:30 और मेरी लग गई है ड्यूटी नाश्ता करने की। जी हाँ, तो मैं जा रहा हूँ बाहर नाश्ता करने के लिए। अब देखना ये है कि कहाँ पे जाना होगा और नाश्ते में क्या करना होगा। पॉसिबल होगा तो वीडियो शूट करूंगा, नहीं होगा तो क्लिप से रहने दूंगा, क्योंकि खाने पीने की जो है वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। सिर्फ इसी वजह से, सब जानते हैं कि इंडियन लोग जो है जेलेसी बहुत करते हैं, जेलेसी फील बहुत करते हैं, यह सबको पता यहाँ पर सब सिटीजन्स को। इस वजह से खैर कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ अभी नाश्ते के लिए इंशाल्लाह। जरूरत है सबसे पहले अभी रियाद सऊदी अरब के अंदर फर्नीचर कारपेंटर हेल्पर की, मतलब कि हेल्पर को जो काम करना होगा वो फर्नीचर कारपेंटर के साथ काम करना होगा। इसमें ड्यूटी रहेगी 10 घंटे की और लगभग 30 कैंडिडेट चाहिए। रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से, आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आप ही के ऊपर डिपेंड रहेगा। दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे, ECR एंड ACNR। रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से, एज लिमिट इसमें चाहिए 21 से लेकर पूरे 30 तक की। और सैलरी पैकेज इसमें फर्नीचर कारपेंटर हेल्पर को मिलेगा 1350 सऊदी रियाल, और 1350 सऊदी रियाल में आप खाना आपकी तरफ से है, आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आप ही को पर डिपेंड है। सेम डे मूफा लगेगा, मतलब जिस दिन आपका मेडिकल फिट होगा ऑन द स्पॉट इसमें मूफा लगेगा आपका, तो इसलिए जल्दी आने वाले कांटेक्ट करें। रूम से निकलने के बाद मैं अभी आ गया हूं अभी एक सुपरमार्केट में, और यहां से लूंगा मैं कुछ स्वीट्स वगैरह क्योंकि ट्रैवल हो और उसके बाद कुछ मीठा ना हो तो मजा नहीं आता। यहाँ पे जो है कार्टून का पहले पानी निकालूंगा मैं, तोड़ फोड़ करके काट पीट करके। लेकिन एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, बिग साइज के ये लोग पानी नहीं रखते छोटी सुपरमार्केट में। इसारे के जस्ट कॉर्नर साइड में है किम्मत अल फकामा कपड़े का शोरूम, और इसी कपड़े के शोरूम पे मेरा एक निकम्मा दोस्त 8-9 सालों से टेलरिंग का काम करता, लेकिन इस टाइम काफी ज्यादा नोट छाप रहा ओवर टाइम करके, क्योंकि उसके यहाँ पे अभी ओवर टाइम बहुत ज्यादा चल रहा। फिर आ गया हूं मैं किंग फहद बिन अब्दुल अजीज रोड पर, जो कि कनेक्ट करता खोबर को, और मेरे को कुछ काम है खोबर में तो मैं खोबर में जा रहा हूं। और ये जो देख सकते हैं अभी राइट साइड में अब्दुल करीम टावर, इसके बराबर में पहले था दल्ला जो कि अब आरामको स्टेडियम बन रहा है। उसके बाद गाड़ी पार करके मैं खा रहा हूँ डार्क चॉकलेट, ये तो मेरे को लाजिम चाहिए। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं आगे हूँ अभी खोबर सर्किट में, गाड़ी जो उधर पार्क कर दिया। अब पार्किंग की जो है स्लिप लेकर आनी है मेरे को उधर से जाके, और हो सकता है वो खराब भी हो क्योंकि लास्ट टाइम आया था तो खराब थी। खैर कोई बात नहीं है, चेकआउट करते हैं कि सही है नहीं है, उसके बाद अंदर बैठेंगे सैलून में, उसके बाद चलेंगे नाश्ता करने के लिए। देखो मैं कह रहा था ना खराब है, खराब निकली, तो उधर लास्ट में एक पार्किंग मशीन और है भी, उधर ही जा रहा हूँ मैं। लो भाई इधर आया, ये मशीन भी खराब है, खराब है ये हमको ही नहीं दिख रही, लेकिन मालूम करने पे पता चला कि ये खराब ही है क्योंकि इसमें प्रेस करने पे कुछ भी पता नहीं चल रहा। और इसी वजह से मेरा जो है एक डायलॉग है खुद का कि जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ से लाइन खत्म हो जाती है, क्योंकि जिस चीज के लिए मैं लाइन में लगता हूँ ना वो चीज ही खत्म हो जाती है। दो मशीनें तो अभी ऐसा समझ लीजिए खराब है, और मैं फिर जा रहा हूँ अभी 100 मीटर की दूरी पर, और हो सकता है 100 मीटर से भी ज्यादा दूर हो। उधर लास्ट में एक मशीन और हमको दिखी, अभी उधर ही जा रहा हूँ मैं ट्राई करके, देखते हैं उधर। और लास्ट में मेरी गाड़ी है उधर 2 क्रॉस के बाद में, उधर गाड़ी खड़ी है। और अगर ये मशीन भी खराब निकली ना तो खल्ली वल्ली भाड़ में जाए साली पार्किंग स्लिप, जाऊंगा उधर ही गाड़ी पे खल्ली वल्ली। आएगा कोई मरूर वगैरह वाला तो देखेंगे। अब जरूरत है दमाम सी पोर्ट पर लेबर की, मतलब कि जो बंदरगाह होता है जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आते हैं कंटेनर को जो है अनलोड करके जाते हैं और लोड करके जो है लेके जाते हैं वो दूसरी कंट्री को, उसी को सी पोर्ट बोलते हैं, मतलब कि अरबी में बोले तो मीना। उसी पे जरूरत है अभी लेबर की। सेम डे मूफा लगेगा, मतलब कि ऑन द स्पॉट इसमें मूफा लगेगा जिस दिन आपका मेडिकल फिट होगा। इसमें लगभग 10 कैंडिडेट चाहिए लेबर वाले, और लेबर को काम करना होगा मीना में, मतलब कि पोर्ट के अंदर काम करना होगा। इसमें 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, रूम भी मिलेगा प्लस खाना उसमें अपनी तरफ से रहेगा। और लेबर को सेले पैकेज यहाँ पे मिलेगा 1350 सऊदी रियाल, 1350 सऊदी रियाल। ये सेले पैकेज जो है लेबर का है, किसी इंजीनियर का नहीं, किसी पायलट का नहीं, किसी जिम ट्रेनर का नहीं, किसी साइंटिस्ट का नहीं, किसी डॉक्टर का नहीं, किसी फार्मासिस्ट का नहीं, किसी नर्स का नहीं। जो सेले पैकेज था मैंने वो बता दिया। सेम डे मूफा लगेगा, सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एक ही PDF फाइल में चाहिए, एज लिमिट चाहिए इसमें 22 से लेकर 30 तक की, हिंदू मुस्लिम इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और एंड ECR एंड ECNR
पासपोर्ट होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के लिए आप मेरे को पूरी डिटेल के साथ अगर इंटरेस्टेड है तो अपने नंबर के साथ कमेंट करें कि मेरा नंबर ये है और मैं इस वाली अपडेट पर मैं जाना चाहता हूं। मैं आपका ये नंबर जो है वीजा वाले भाई को दूंगा, वो आपसे राबता करेगा, तो आप दोनों जो है डिस्कस कर लेना। जुम्मा है, जुम्मे के दिन मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता। जिन भाइयों के पास ऑलरेडी नंबर है वीजा वाले भाई का, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना इस वीजा के लिए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच तो गया हूं मैं इस वाली मशीन पर, ट्राई करके देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह, यस ये चालू है भाई, ये चालू है। तो अपनी स्लिप निकालेंगे हम इधर से एज डी जे 25। चलिए मैं स्लिप निकाल लेता हूँ यहाँ से एक रील बना के। समय मैं आ गया हूँ कुदू रेस्टोरेंट पर। बस आधा खल्लास इतना नसीर तोहफा इतना कुदू ब्रेकफास्ट बस आधा अरबा खमसिन 54 रियाल का भाई यहाँ था अभी मेरा बिल हुआ सुबह का नाश्ते का। रूम से निकला हुआ हूँ 7:30 बजे, नाश्ता करने मिल रहा 11 बजे और इस समय मैं आ गया हूँ अभी कुदू में और यहाँ से मैं ब्रेकफास्ट दे दिया हूँ क्योंकि बेटर ऑप्शन यही है जल्दी का और फ्रेश का, कुदू का मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता हूँ। तो बस अभी वेट कर रहा हूँ अभी इधर जब तक रेडी होगा उसके बाद जाएंगे गाड़ी में और गाड़ी में बैठ के ही ब्रेकफास्ट होगा इंशाल्लाह। और बस यहाँ पर ऑर्डर दे दिया मैंने और ऑर्डर हुआ मेरा यहाँ पर 54 रियाल और 54 रियाल को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये लगभग हो गए 1100 से भी ज़्यादा है और ये थोड़ी सी देर में हम खा के अलग करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑर्डर हो गया इधर रेडी, ये दो जूस करा लिए हमने और इधर ये कॉफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह और इधर अपना ऑर्डर दो कुदू ब्रेकफास्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप में से रियाद के अंदर कोई मुअस्सिसा रकान के अंदर काम करने के लिए आना चाहता है जनरल लेबर का तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करना है अभी लास्ट वाली अपडेट में बताऊं और आगे और बता दूंगा। जरूरत है अभी मुअस्सिसा रकान के लिए जनरल लेबर की और जनरल लेबर वाले जो है 15 कैंडिडेट चाहिए जिनको 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। काम करना होगा लेबर का और लेबर को काम करना होगा आउटडोर मतलब बाहर और कंस्ट्रक्शन लाइन का। ये मुअस्सिसा मतलब मुअस्सिसा रकान ये आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड कराएगा लेबर का 1400 सऊदी रियाल। 1400 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज में खाना आपकी तरफ से, आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है क्योंकि खर्च जो डिपेंड होता है वो सैलरी पैकेज पर होता और सैलरी पैकेज डिपेंड होता है आपके ट्रेड पर, आपके स्किल्स पर, आपके प्रोफेशन के हिसाब से। लेबर को लेबर के हिसाब से सैलरी पैकेज मिलेगा, किसी इंजीनियर के हिसाब से पैकेज थोड़ी मिलेगा। आप इंजीनियर है तो आप अपनी इंजीनियर की सैलरी पर फोकस करो, यूं नीचे लेबर वाली सैलरी पैकेज पर फोकस मत करो। 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद इसमें आपको ओवर टाइम मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है ओवर टाइम करें या नहीं करें। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो पूरी डिटेल के साथ अपना नंबर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एक बार मैं आपका नंबर जो है स्क्रीनशॉट लेके वीजा वाले भाई को दूंगा, आप उनसे डिस्कस कर लेना। कुदू से जो ब्रेकफास्ट लेकर आया था मैं, अब मैं वो स्टार्ट कर दिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर है ऑमलेट, हॉट डॉग, टमाटोज, चेरी और बहुत सारे आइटम्स है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में बात करते हैं किसी नेक्स्ट रील में। तो अब सबसे पहले मैं पीऊंगा जूस, इसकी स्ट्रॉ मैंने गिरा दी, इसकी रील बनाने के लिए मैंने अभी ओपन किया था ये, सारा भी ओपन हो गया। इसको रखते हैं ऐसे, उसके बाद पीते हैं कॉफी, ब्लैक कॉफी। काफी हार्ड हो रही है क्योंकि मैं शुगर मिलाया नहीं, क्योंकि मैं स्वीट्स नहीं और डार्क चॉकलेट के अलावा मैं कोई भी स्वीट खाता नहीं। कोई ना, हम इंजॉय करते हैं इसको ड्राइव करते करते। तो जूस और कॉफी मैंने ट्राई कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह और टेस्ट काफी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कि उसने इतनी सारी नेमतों से नवाजा मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देखो किसी को भी देख के जज नहीं करता, हाँ लेकिन मेरे को देख के ना जाने कितनों की जलती है और वो जलती उनकी है जिनकी औकात गली के उसके जैसी भी नहीं होती, समझना। खैर भाई मेरा काम है फूड ब्लॉगिंग का, भाई मुझसे ज्यादा खर्च करने वाले फूड ब्लॉगिंग के मामले में, तो मैं अब ड्राइव करूंगा तो इसलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी रील में किसी ब्लॉग में एक नए खाने पर इंशाल्लाह। फाइनली अगर आप जद्दा एयरपोर्ट पर काम करने के लिए आना चाहते हैं लेबर का तो ये अपडेट सिर्फ आपके लिए है। हेल्दी कैंडिडेट चाहिए इसमें मतलब अच्छा तंदुरुस्त और इसमें मुसांदा कंपनी की वीजा लगेगी। एयरपोर्ट पर जो काम करना होगा कैंडिडेट को वो लोडिंग और अनलोडिंग का करना होगा। लोडिंग अनलोडिंग क्या है, जैसे कि आपका जो लगेज वाले बैग होते हैं ना वो लोड करने हैं ट्रॉली में। 300 कैंडिडेट चाहिए इसमें। लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम रहेगा एयरपोर्ट कार्गो एंड पैसेंजर लगेज का। कैंडिडेट शुड बी हेल्दी, हेल्दी कैंडिडेट चाहिए। 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद इसमें आपको रूम मिलेगा, खाना उसमें अपनी तरफ से रहेगा, लोकल ट्रांसपोर्ट भी कंपनी ही प्रोवाइड कराएगी। वकाला बिल्कुल रेडी है, इमीडिएटली डिपार्चर करना होगा, ऑन द स्पॉट इसमें मुफा लगेगा। और यहाँ पर 300 कैंडिडेट चाहिए एयरपोर्ट पर काम करने के लिए और सैलरी पैकेज लेबर का मिलेगा 1200 सऊदी रियाल। अब 1200 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज में खाना आपके तरफ से,
आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे, एज लिमिट सिर्फ चाहिए 21 से लेकर 35 तक। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वाली जॉब के लिए तो पूरी डिटेल के साथ अपने नंबर के साथ जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका ये कमेंट स्क्रीनशॉट लेकर वीजा वाले भाई को दूंगा, तो आपस में दोनों कॉन्टेक्ट कर लेना, बाकी डिस्कस कर सकते हैं आप उनसे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जरूरत है अभी दमाम के अंदर दो हाउस ड्राइवर की। हाउस ड्राइवर जो है बिल्कुल रिटर्न कैंडिडेट चाहिए जिनके पास सऊदी का लाइसेंस है। लाइसेंस वैलिड है इनवैलिड है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइसेंस होना जरूरी है। ECR एंड ECNR पासपोर्ट चलेगा। एज लिमिट चाहिए 21 से लेकर 40 तक की। रूम मिलेगा घर की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से, ओपन ड्यूटी रहेगी क्योंकि फैमिली ड्राइविंग में कोई भी टाइम टेबल नहीं होता। सेले पैकेज 1800 की गारंटी रहेगी, आपके घर से कपिल के घर तक छोड़ने की भी गारंटी रहेगी। कोई इंटरेस्टेड है तो पूरी डिटेल के साथ अपना कमेंट सेक्शन में नंबर दे सकते हैं, मैं आपका नंबर वीजा वाले भाई को दूंगा, आपस में दोनों डिस्कस कर लेना उस वीजा से रिलेटेड। बाकी इस ट्रैवलिंग यासीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको यूट्यूब पर मिले।